कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ई कॉमर्स कंपनियों के डिलीवरी बॉय के साथ ये मुलाकात तो आपको याद होगी ही, जब राहुल गांधी ने डिलीवरी बॉय के साथ लंच किया और उनसे बातचीत की थी। कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल की ये मुलाकात सोशल मीडिया पर खूब चर्चित रही, लेकिन इस मुलाकात का असर अब हुआ है। कर्नाटक की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऐसे डिलीवरी पार्टनर के लिए बड़ा ऐलान किया है। सिद्धारमैया सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में बजट पेश किया तो उसमें डिलीवरी बॉय को बड़ी सौगात दी। कर्नाटक सरकार ने बजट में जोमैटो, स्विगी, अमेजोन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स के लिए 4 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा की है। इसमें 2 लाख रुपए लाइफ कवर और 2 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले की कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तारीफ की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने डिलीवरी पार्टनर से मुलाकात की थी और उनकी शिकायतों को समझने का प्रयास किया था कि सरकार कैसे उनको सुरक्षा प्रदान कर सकती है। जयराम रमेश ने आगे लिखा, बीते दिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने अपने पहले बजट में ई कॉमर्स कंपनियों के फुल टाइम और पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय के लिए 1 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की। इसमें 2 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस और 2 लाख रुपए एक्सीडेंट कवर के लिए है। ये चुनाव के दौरान की गई 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए रखे गए 52,000 करोड़ रुपए के बजट के अतिरिक्त है। इसके साथ ही जयराम रमेश ने राहुल गांधी की डिलीवरी पर्सनल से मुलाकात के लिए वीडियो का लिंक भी शेयर किया है। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 गारंटी देने का ऐलान किया था। इसमें हर घर की मुखिया महिला को 2,000 रुपए, महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा, 200 यूनिट फ्री बिजली, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने जैसी गारंटी शामिल हैं। इन्हें पूरा करने के लिए सिद्धारमैया सरकार ने 52,000 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट में प्रावधान रखा है।